नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से बताई जा रही है। फिरोजाबाद में मौत का आंकड़ा हुआ 56, लेकिन सरकारी आंकड़े क्यों कम। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामलों को लेकर आम आदमी काफी डरा हुआ है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आंकड़ेबाजी का खेल खेल रहे हैं। जहां जिले भर में 100 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग अभी मात्र 56 की मौत होना बता रहा है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अगस्त माह से शुरू हुआ डेंगू का कहर लगातार अभी भी जारी है। करीब एक माह से फिरोजाबाद डेंगू से करा रहा है, तो अब तक 100 से अधिक बच्चे और युवा अपनी जिंदगी की बलि दे चुके हैं। आपको बता दें, जबकि सैकड़ों बच्चे और युवा अभी भी डेंगू जैसी महामारी की चपेट में हैं। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग अपनी आंकड़ेबाजी से बाज नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अभी तक केवल 56 की मौत हुई है, जबकि अस्पताल में 1824 मरीजों को भर्ती किया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी डेंगू से मरने वाले बच्चों के प्रति सहानुभूति जताते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई थी। बावजूद इसके स्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई है। डेंगू से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि अधिकारी आंकड़ेबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। क्या हुआ उसको? बुखार, पेट में दर्द होनी थी, भारी है ना, तीन महीना है गए। पेशेंट्स हमारे ऐसे आ रहे हैं जो सिंपल वायरल फीवर्स के हैं, उन सबकी हम जांचें करा रहे हैं। कराने के बाद उनका प्लेटलेट 1.5 लाख 2 लाख है। थोड़ा सा उनको बुखार रहता है, बट पेशेंट का थोड़ा सा ये जिद भी रहता है, रिक्वेस्ट भी रहता है कि हमें भर्ती किया जाए। तो इस समय पेशेंट्स परेशान भी हैं, बच्चे जल्दी डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, तो हम उन्हें भर्ती कर देते हैं। एक दिन में उनमें काफ़ी रिलीफ हो जाता है, तो उसको हम आगे का ट्रीटमेंट करने के लिए बता देते हैं। उसके सिम्टम्स के हिसाब से अगर किसी को रिलीफ नहीं मिलता है, तो कुछ पेशेंट्स हमारे यहाँ 6-6 दिन से भी भर्ती हैं। बट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, ये पीडियाट्रिशियन का एक क्राइटेरिया होता है, तो उसके हिसाब से वो रिलीफ कर देते हैं कि पेशेंट को घर ले जाइए, घर में अच्छा खाना खिलाइए और सब कुछ करिए। तो और कोई परेशानी होने पर हमारा 24/7 खुला हुआ है, कोई परेशानी की बात नहीं। वर्तमान में कितने पेशेंट अभी मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं और क्या व्यवस्थाएं आज की हैं? सर, हमारे यहाँ अभी 409 पेशेंट्स इस वक्त एडमिटेड हैं। हम लोग का ये कोविड अस्पताल बनाया गया था, जो 3 महीने से कोई पेशेंट ना होने के कारण सैनिटाइज करके थर्ड वेव की तैयारी के लिए था। तो अभी इसमें हमारे पास 340 बेड्स थे, उसके बाद 300 बेड्स थे, फिर हमने 40 बेड मरीजों के देखते हुए और बढ़ाए। सामने की एक बिल्डिंग थी जो अभी बनने की फेज़ में थी, उसको हमने इस ट्रेंड को देखते हुए ठीक करा के 200 बेड वहाँ पर बढ़ा दिए हैं। तो टोटल 540 पेशेंट्स का हमारे यहाँ अभी बंदोबस्त है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। पेशेंट्स अब थोड़े से अप्रीहेंशन होने के कारण और थोड़ा सा उनको जागरूकता होने के कारण थोड़ा हमारे पास जल्दी आ रहे हैं पेशेंट्स। हल्का सा भी बुखार अगर 6 घंटे में उनको लोकल आराम नहीं मिलता तो तुरंत आ जाते हैं, कुछ पेशेंट्स डायरेक्ट भी आ रहे हैं। मैडम, लोगों में डर है, लोग डेंगू नहीं है, क्या कहना चाहेंगी? लोग कोविड की इसको लहर भी बता रहे हैं, थर्ड वेव है, क्या स्थिति है इस समय? देखिए, सबके मन में ये भय जरूर था, लेकिन अब लोगों के जो बच्चों के सिम्टम्स हैं वो नॉर्मली इनको वॉमिटिंग, डायरिया, डिसेंट्री, पेट में दर्द, हाई फीवर करके आ रहे हैं। किसी भी पेशेंट में हमारे को खांसी और चेस्ट के सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं, जबकि हम हर एक मरीज का कोविड जांच करा रहे हैं, जो कि सभी मरीजों में नेगेटिव आ रहा है। और पेशेंट 3 दिन में उनका डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, डायरिया कर दें, तो मैक्सिमम पेशेंट्स 3-4 दिन में ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। अब तक के जो कुल पेशेंट हैं उसमें कितने तरीके के वायरल फीवर और फीवर पाए गए हैं? देखिए, 50-60% में डेंगू आया है, और एक पेशेंट में हमारे यहाँ स्क्रब टाइफस भी आया है। बाकी पेशेंट्स हमारे यहाँ वायरल फीवर, नॉर्मल वायरल फीवर के हैं, जो कि एज अ प्रेजेंट करते हैं डायरिया, डिसेंट्री और वॉमिटिंग की तरह।